हेलो फ्रेंड्स, सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 के चलते अभी हमारे परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थी नहीं आ पा रहे हैं। जैसे ही हमारे विद्यालय में बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, विद्यार्थी आना शुरू हो जाएंगे, तब हमको पूरे मनोयोग के साथ शिक्षण कार्य में जुट जाना है। तो साथियों, इस बार हमको जो शिक्षण कार्य करना है वो पाठ योजना की जगह शिक्षण योजना के अनुसार करना है। आप सभी जानते हैं कि पूरे प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा में कहा गया है कि पाठ योजना की जगह शिक्षण योजना बनानी है। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपके सामने कक्षा 8 विषय गणित प्रकरण है घन और घनमूल, इसकी शिक्षण योजना आपके समक्ष लेकर आया हूँ। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की आने वाली वीडियो मिलती रहें। साथियों, आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही इसी के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिस पर मैं अपनी बनाई गई समस्त वीडियो को पोस्ट करता हूँ। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से भी लिंक को ओपन करके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने का एक फ़ायदा यह मिलेगा, आपको बेसिक शिक्षा विभाग से सारी संबंधी जो सारी वीडियो हैं सभी एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिक्षण योजना कक्षा 8 विषय गणित प्रकरण है घन और घनमूल। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक यहाँ पर आपको अपने हिसाब से डालना है। कक्षा 8 विषय गणित, समय 40 मिनट। दोस्तों, अगर आप इस शिक्षण योजना में कुछ परिवर्तन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसी ही बनी रहने दें। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है इसके अंदर वो होता है लर्निंग आउटकम। बच्चे दी गई संख्या का घन ज्ञात करते हैं, बच्चे दी गई संख्या का घनमूल ज्ञात करते हैं, ये दो लर्निंग आउटकम है इस शिक्षण योजना में। प्रकरण है हमारा घन और घनमूल। नंबर 3, सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्यपुस्तक, ब्लैक बोर्ड और चोक। नंबर 4, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। इसमें 4 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या, फिर चरण, समय और आकलन के तरीके। सबसे पहला जो चरण होता है वो है शिक्षण की शुरुआत में, इसका समय हम 5 मिनट लेंगे और आकलन का जो तरीका होगा वो होगा बातचीत। हमको यहाँ पर एक प्रश्न लिखना है, 2 की घात 3, 3 की घात 3 और 5 की घात 3, इस तरह से हम ये लिख देंगे और बच्चों से पूछेंगे कि यह क्या लिखा हुआ है। क्योंकि बच्चों ने पिछली कक्षा में घात और घातांक पढ़ रखा है तो बच्चे आपको आसानी से बता देंगे कि यह 2 की घात 3 लिखा है, 3 की घात 3 लिखा है, 5 की घात 3 लिखा है। अगर बच्चे नहीं बताते तो आपको थोड़ा उनको रिमाइंड करा देना है, उनको बता देना है, तो बच्चे आप आसानी से बच्चों को याद आ जाएगा। यहाँ पर शिक्षक को बताना है कि 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 को 3 बार लिखना है और उसकी आपस में गुणा। इसी प्रकार 3 की घात 3 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3। इसी प्रकार हम 5 की घात 3 लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, इस तरह से बच्चों को बताएंगे कि 2 की घात 3 का मतलब ऐसा होता है और इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब अगला जो स्टेप है शिक्षण के दौरान, इसका समय 25 मिनट होगा, आकलन का तरीका होगा बातचीत और सहभागिता। इसमें जो पहले 10 मिनट हैं उसमें देखिए आप क्या करना है, शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर इस तरह से लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 4 = 64 बराबर 4 की घात 3 और 5 गुना 5 गुना 5 = 125 बराबर 5 की घात 3। यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है कि यदि किसी संख्या को 3 बार लिखकर
आपस में गुणा कर दें तो प्राप्त संख्या गुणा की गई संख्या का घन होती है। ये हमें बताना है बच्चों को कि भाई अगर हम किसी संख्या को 3 बार लिखें और उसकी आपस में गुणा कर दें तो प्राप्त संख्या गुणा की गई संख्या का घन होती है। जैसे 6 × 6 = 36 × 6 = 216, इस प्रकार 6 का घन 216 हुआ, बच्चों को बताना है। इसी प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या का घन करने पर प्राप्त होने वाली संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या होती है, बच्चों को बताना है ये वाली बात। बच्चों को यही बताएंगे कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 होती है, बच्चों को बताना है और उनको नोट भी कराना है कॉपी में। इसके बाद शिक्षक बच्चों के छोटे समूह को 7, 10 और 12 का घन प्राप्त करने के लिए कहेंगे। यहाँ आपको देखना है कि बच्चे किस तरह से कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं तो उन्हें सही करके बताना है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है। इसके बाद जो 15 मिनट का समय है, हम शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर एक प्रश्न लिखना है, 729 का घनमूल ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें बच्चों को पहले बताना है, क्योंकि नया टॉपिक है, पहले हम बताएंगे कि सबसे पहले दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसके बाद समान गुणनखंडों के 3-3 के समूह बनाएंगे। नंबर 3 पर प्रत्येक समूह से 1 गुणनखंड लेना है। इसके बाद प्राप्त गुणनखंडों का आपस में गुणा करेंगे। इसके सबसे लास्ट में प्राप्त गुणनखंड दी हुई संख्या का अभीष्ट घनमूल होगा। इसके बाद बच्चों को करके दिखाएंगे। जैसे 729 है, इसको जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से भाग करेंगे, इस तरह से 3 × 2 = 6 और ये इस तरह से करके आ जाएगा 243। फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 81। फिर इसके बाद जब 3 से पुनः करेंगे तो 27 आएगा, और फिर 3 से दोबारा करेंगे तो 9 आएगा, फिर 9, फिर 3, फिर इस तरह लास्ट में 1। तो यहाँ बच्चों करके दिखाना है कि 3 × 3 × 3 और 3 × 3 × 3। हम यहाँ पर इनके समूह बना लेंगे 3-3 के, 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, और सब में से 1 बाहर निकाल लेंगे। पहले समूह से 1 बाहर निकालेंगे 3, और दूसरे समूह से 1 बाहर निकालेंगे और आपस में इनकी गुणा कर देंगे। इसी प्रकार के प्रश्न बच्चों को छोटे समूह में भी करने को देंगे। मित्रों ध्यान रखना है कि बच्चों को छोटे सवाल देने हैं, शुरुआत में छोटे छोटे प्रश्न देने हैं जिससे वो आसानी से कर सकें। इसके बाद शिक्षण के बाद में समय 10 मिनट और अवलोकन। पहले 5 मिनट में 4 या 5 समूहों में पाठ्य पुस्तक में लिखे प्रश्नों को हल करने के लिए देंगे। ऐसे प्रश्न देने हैं जो बच्चे इजीली आसानी से कर सकें, और अगले 5 मिनट हमारे होंगे गृह कार्य के लिए। नंबर 5 पर जो गृह कार्य देंगे, पाठ्य पुस्तक में से जो आसान से प्रश्न लगेंगे हमें, वो बच्चों से घर से करके आने को कहेंगे। इसके बाद शिक्षण की आगामी योजना, आपकी जो भी आगामी योजना होगी, आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, आप उसका वर्णन यहाँ पर करेंगे। तो मित्रों ये थी आपके सामने कक्षा 8 की शिक्षण योजना गणित की। अगर आपको इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसी ही बनी रहने दें। साथियों अगर आपको शिक्षण योजना पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ, अपने अन्य शिक्षक साथियों के साथ, अपने अन्य टीचर्स ग्रुप में इसको शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर लाभान्वित हों, उनको शिक्षण योजना बनाने में आसानी हो, कोई दिक्कत न हो। तो मित्रों मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।